लेकिन एक खबर जो बहुत ही ज्यादा प्रामाणिक तौर पर जनरल साहब को मिली, एक ऐसे अधिकारी से जो बहुत ही आधिकारिक तौर पर अपनी बात कह सकते थे और उनकी इंटेलिजेंस सोर्सेज के माध्यम से मिली, वो ये कि वो लोग पहले हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के काम में लगाए गए थे, बाद में खेती में लगाए गए थे और उसके बाद उनको बदूस जेल में भेज दिया गया है। लेकिन बदूस जेल में जाने के बाद कोई संपर्क उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का नहीं है, इसलिए जब बदूस की लड़ाई समाप्त होगी और वहां क्लियरिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद ही हमें पता लग सकेगा कि उनकी आज क्या स्थिति है, वो कहाँ है और किस हालत में है। चौबीस तारीख को इराक के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं, इस बीच में अगर कोई भी नई जानकारी होगी तो वो स्वयं लेकर आएंगे और अगर उससे पहले कोई और जानकारी ऐसी मिल जाती है जिसमें जनरल साहब का जाना जरूरी है तो जनरल साहब को हम दोबारा भेज देंगे। तो इस हिसाब से मतलब जहां हम तीन साल पहले खड़े थे कि हमारे परिवार वाले पता नहीं कहां हैं कैसे हैं, आज भी हम वहीं हैं और जो उम्मीद हम लेके आए थे वो हमारी टूट चुकी है। आराम से लाइव कर देते हैं, बुला लो सामने जिसको।